दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले टॉप 5 स्मार्टफोन्स जो कि आते हैं 20,000 रुपीज के प्राइस रेंज के अंदर। इस प्राइस रेंज में आजकल के लगभग सभी फोन्स में आपको नियर टू फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। उन्हीं में से हमने 5 ऐसे फोन सिलेक्ट किए, उनमें आपको 10-bit OLED डिस्प्ले, हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर, बेस्ट कैमरा सेटअप विद OIS, 5G कंपेटिबिलिटी, डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस, बेस्ट बैटरी लाइफ और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। दोस्तों ये सभी ऑलराउंडर फोन्स हैं जिनकी अपनी अपनी USP है। साथ ही लास्ट में दो ऐसे फोन्स बताऊंगा जो इस लिस्ट में शामिल नहीं किए लेकिन उनमें आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाती है। अगर आपको सिर्फ गेमिंग के लिए कोई फोन चाहिए तो आप उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप अपना फोन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट भी 20,000 के आसपास है और आप इस प्राइस में स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी के डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे इनमें से कौन सा फोन किस प्राइस में लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है Realme 9 Pro। ये इस लिस्ट का सबसे ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वाला फोन है जो कलर शिफ्ट बैक डिजाइन के साथ आता है। डायरेक्ट सनलाइट में इसके बैक पैनल का कलर चेंज हो जाता है। उसी के साथ बेस्ट कैमरा सेटअप और बाकी फीचर्स भी शानदार मिल जाते हैं। या तो 6.6 इंच की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले के साथ जो 120 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसमें डिस्प्ले काफी शार्प और स्मूथ देखने मिलती है। बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो ये आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 6nm 5G प्रोसेसर के साथ जो एक्सलेंट परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इस फोन के साथ इसका अंतत स्कोर 400,000 से भी ज्यादा आता है। इसमें मल्टीटास्किंग और गेमिंग में कोई इशू नहीं आता। या तो 64 मेगापिक्सल के नाइट स्कोप ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ इसमें 64 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है। उसी के साथ फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। डे लाइट हो या लो लाइट इसमें शानदार इमेज क्वालिटी मिल जाती है। नाइट में भी हाई क्वालिटी इमेजेस कैप्चर करता है। या तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और साथ ही सभी सेंसर्स मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, 4G, ड्यूल स्टैंडबाय 5G और NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। या तो LPDDR4X RAM टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ इसमें 5GB की वर्चुअल रैम एक्सपेंशन मिल जाती है। या तो 6GB 128GB और 8GB 128GB के दो वेरिएंट के साथ। इसका 6GB 128GB का बेस वेरिएंट 18,000 से शुरू होता है जो ऑफर के साथ 17,000 के अंदर मिल जाता है। दोस्तों इस प्राइस में इसमें आपको बेस्ट कैमरा क्वालिटी मिलती है, साथ ही डिसेंट परफॉर्मेंस और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, इसलिए Realme 9 Pro हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है Samsung Galaxy M33। दोस्तों इस लिस्ट का सबसे बेस्ट प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। अगर आप एक नॉन चाइनीज ब्रांड वाला फोन चाहते हैं तो Samsung M33 के साथ जा सकते हैं। या तो 6.6 इंच की फुल HD TFT डिस्प्ले के साथ इसमें IPS LCD डिस्प्ले नहीं मिलती लेकिन 120 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाती है और साथ ही फ्रंट की तरफ Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। या तो Samsung Exynos 1285 5G प्रोसेसर के साथ जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसका अंतत स्कोर इस फोन के साथ 420,000 के आसपास देखने मिलता है। इसमें आपको गेमिंग और मल्टीटास्किंग में ज्यादा इशू नहीं आता। या तो 50 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप के साथ इसमें 50 मेगापिक्सल वाइड, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है और फ्रंट की तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। इसमें आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। या तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए 25 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है लेकिन आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता। या तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, 4G, ड्यूल स्टैंडबाय 5G और NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसमें LPDDR4X RAM टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाती है और साथ ही इसमें आपको 8GB तक वर्चुअल रैम एक्सपेंशन मिल जाती है। या तो 6GB 128GB और 8GB 128GB के दो वेरिएंट के साथ। इसका 6GB 128GB का वेरिएंट 18,000 से शुरू होता है जो ऑफर के साथ आपको 17,000 तक भी मिल जाता है जो इस प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी फोन साबित होता है। अगर आप एक नॉन चाइनीज ब्रांड का फोन चाहते हैं तो सैमसंग का ये फोन आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। सिर्फ इसमें आपको TFT डिस्प्ले मिलता है जो इसकी एक डाउनसाइड है। इस वजह से सैमसंग M33 हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है OnePlus Nord CE 2 Lite। दोस्तों OnePlus की तरफ से आने वाला ये सबसे सस्ता फोन है जो प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। या तो 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ जो 120 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसमें भी आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 6nm 5G प्रोसेसर मिलता है जो नियर टू फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसका अंतत स्कोर 400,000 के आसपास मिल जाता है। या तो 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ इसमें 64 मेगापिक्सल वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है और फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। इसमें आप 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। या तो 5000 mAh
इंच की बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 5.2 4G डुअल स्टैंडबाय 5G का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और सभी सेंसर्स मिल जाते हैं। इसमें LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। यह था 6GB 128GB और 8GB 128GB के दो वेरियंट के साथ। इसका 6GB 128GB का वेरियंट 20,000 में मिल जाता है। अगर आपको एक OnePlus का ही फोन लेना है और आपका बजट 20,000 के आसपास है तो ये फोन आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। इस वजह से OnePlus Nord CE2 Lite हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है पोको X4 Pro 5G। यह था स्टाइलिश लुक्स और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ। इसमें आपको बेस्ट डिस्प्ले और कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। यह था 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले के साथ, जिसमें 120 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट और 1200 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है और साथ ही 360 Hz की टच सैम्पलिंग भी मिल जाती है। इसमें स्मूथ डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिल जाता है। ये भी आता है Qualcomm Snapdragon 695 6nm 5G प्रोसेसर के साथ, जो नियर टू फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसका अंतुतु स्कोर इस फोन के साथ 400,000 से भी ज्यादा आता है। इसमें भी आपको मल्टीटास्किंग और गेमिंग में कोई इशू नहीं आता। यह था 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें 64 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है और फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। इसमें आपको डे लाइट कंडीशन और लो लाइट कंडीशन में शार्प इमेजेस मिल जाती है। यह था 5000 mAh की बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जो इसकी बैटरी सिर्फ 45 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है। यह था साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और उसी के साथ सभी सेंसर्स मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 5.2 4G डुअल स्टैंडबाय 5G NFC और FM रेडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और 3.5mm का ऑडियो जग भी मिल जाता है। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है और साथ ही IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन रेटिंग भी मिल जाती है। यह था LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ और इसमें 3GB की वर्चुअल रैम भी मिल जाती है। इसमें 6GB 128GB और 8GB 128GB के दो वेरियंट्स मिलते हैं। इसका 6GB 128GB का वेरियंट 18,000 से शुरू होता है, जो ऑफर के साथ 17,000 के आसपास भी मिल जाता है। दोस्तों, इस प्राइस में इसमें आपको डिसेंट कैमरा सेटअप, बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, इसलिए पोको X4 Pro 5G हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है लेटेस्ट मोटोरोला G82। दोस्तों, ये फोन अभी लॉन्च हुआ है, जो 20,000 से थोड़ा ज्यादा प्राइस में आता है, लेकिन कार्ड ऑफर के साथ 20,000 के अंदर मिल जाता है। दोस्तों, ये फोन इस लिस्ट का बेस्ट कैमरा और बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी वाला फोन है। इसमें आपको 10-bit OLED डिस्प्ले मिलता है और 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप विद OIS के साथ आता है, जो इस प्राइस में ज्यादातर फोन में देखने नहीं मिलता। यह था 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस 10-bit POLED डिस्प्ले के साथ, जिसमें 120 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इसमें आपको शार्प, स्मूथ और फ्लूइड डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिल जाता है। यह भी आता है Qualcomm Snapdragon 695 6nm 5G प्रोसेसर के साथ, जो आपको नियर टू फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसका अंतुतु स्कोर इस फोन के साथ 400,000 से भी ज्यादा आता है। इसमें आप मल्टीटास्किंग और गेमिंग बिना किसी इशू के कर सकते हैं। यह भी आता है 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें 50 मेगापिक्सल वाइड विद OIS, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है और फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर भी मिल जाता है। इसमें आपको OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, जिसमें आप बेस्ट क्वालिटी की वीडियोस शूट कर सकते हैं। यह था 5000 mAh की बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 5.1 4G डुअल स्टैंडबाय 5G और NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है और उसी के साथ सभी सेंसर्स मिल जाते हैं। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है। इसमें LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है और 3GB की वर्चुअल रैम एक्सपेंशन भी मिल जाती है। यह था 6GB 128GB और 8GB 128GB के दो वेरिएंट के साथ। इसका 6GB 128GB का वेरिएंट 21,000 से शुरू होता है, जो ऑफर के साथ 20,000 के अंदर मिल जाता है। अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है और आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट कैमरा और डिसेंट परफॉर्मेंस हो, तो ये फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको 10-bit OLED डिस्प्ले मिलती है, बेस्ट कैमरा सेटअप विद OIS के साथ मिलता है और साथ ही डिसेंट परफॉर्मिंग चिप्स और साथ ही डिसेंट परफॉर्मिंग प्रोसेसर भी मिल जाता है। इस वजह से मोटोरोला G82 हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं दो ऐसे फोन की तरफ, जिन्हें हमने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया, लेकिन उन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला है Realme 9 Speed Edition। दोस्तों, ये फोन एक फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आप BGMI और COD जैसे बैटल रॉयल गेम 60fps के साथ खेल सकते हैं। यह था Qualcomm Snapdragon 768G 5G प्रोसेसर के साथ, जिसका अंतुतु स्कोर इस फोन के साथ 500,000 से भी ज्यादा देखने मिलता है, लेकिन इसमें आपको बाकी फीचर्स एवरेज मिलते हैं। अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए एक फोन चाहते हैं, तो इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा है Infinix Zero 5G। ये भी एक हाई परफॉर्मिंग फोन है, जो MediaTek Dimensity 900 इस प्रोसेसर के साथ आता है। ये फोन भी आपको सभी बैटल रॉयल गेम्स में 60fps की परफॉर्मेंस निकाल के देता है। साथ ही इसमें डिसेंट कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 2x ऑप्टिकल जूम और 30x डिजिटल जूम मिल जाती है। अगर आप गेमिंग को कंसिडर करके कोई फोन लेना चाहते हैं, तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। इसमें आपको बाकी फीचर्स भी शानदार मिल जाते हैं। इसकी
भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स जो कि आते हैं 20,000 रुपीज के प्राइस रेंज के अंदर। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।